अगर कोई व्यक्ति को, खास करके अगर वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या सांसद हो, या पॉलिटिकली रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति हो, सब लोगों का ये दायित्व बनता है कि देश का कानून को कैसे हम रेस्पेक्ट करता हूं और कैसे कानून को हम लोग रीएस्टैब्लिश और हम कानून को शक्ति देता हूं। आज राहुल गांधी ये देश का एक सांसद है। जब ईडी ने उनको बुलाया तो ईडी का सामने उनको जाना चाहिए चुपचाप, और जो भी अपना पक्ष है ये पक्ष को सामने ईडी का अधिकारियों का सामने रखना चाहिए, और फिर लॉ जो करेगा लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। और भारत का लॉ इतना स्ट्रांग है कि अगर आप इनोसेंट हैं आपका कभी भी पनिशमेंट नहीं होगा। लेकिन जब आप एक सांसद हो, ईडी ने आपको बुलाया है, आप एकदम नामांकन फिलअप करने का समय जैसे आप लोगों को, समर्थकों को लेके जाते हैं, अगर ऐसे आप ईडी ऑफिस में जाते हैं, साथ में आप कोई राज्य का मुख्यमंत्री को लेके जाते हैं, सांसद को लेके जाते हैं, मतलब क्या है, आप ईडी को डरवाना चाहते हैं कि ईडी आपका पॉपुलैरिटी से, सो कॉल पॉपुलैरिटी से डर जाए और ईडी आपका खिलाफ कार्यवाही ना करे। तो ये आज राहुल गांधी ने जो तमाशा दिखाया उसी में उन्होंने प्रूफ कर दिया कि मैंने कुछ गलती किया हूं। अगर वो गलती नहीं किया था तो चुपचाप जाता था, आराम से जाता था, और बाहर आके मीडिया को इंटरव्यू दे देता था, भाई हमको ये पूछपाछ किया, हमने ये आंसर दिया। लेकिन आप देश भर में प्रोसेशन निकालिए, ईडी का सामने एकदम फौज लेके जाइए, अरे भाई भारत बदल चुका है, अभी आपसे कोई नहीं डरने वाला है। अरेस्ट हो सकते हैं कई। देखिए मैं इतना जानता हूं कि अभी ईडी राहुल गांधी से नहीं डरेगा और ना हमसे भी डरना चाहिए, किसी से डरना नहीं चाहिए। भारत बदल चुका है। अगर आपको कोई एजेंसी बुलाया है, आप एकदम लाइक ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन आप जाइए। ऐसे प्रोसेशन करने का मतलब है जरूर डाल में कुछ काला है, नहीं तो आप क्यों ऐसा करेगा। तो इसीलिए आज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जो तमाशा किया, इसको मैंने कंडेम ही नहीं करता हूं, साथ में मैं यही भी बोलना चाहता हूं, देखिए अभी आप लोगों को कोई नहीं डरेगा, एनफोर्समेंट एजेंसी अपना काम करेगा, और अगर आप गुनाहगार है तो आपका पनिशमेंट होगा, हाँ अगर आप इनोसेंट है आपका कुछ नहीं होगा। ये आज नया भारत का यही नया रूल है।